अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानदार मोबाइल अरबाज भाई। आज आप लोगों को मैं अपना पूरा हाउस का व्यू दूंगा, पीछे से भी दिखाऊंगा, घर आगे से भी दिखाऊंगा, अपनी गाड़ियां भी दिखाऊंगा और मैं अपने भाइयों को अपना घर अपना रूम अंदर से भी दिखाऊंगा। तो ये व्लॉग पूरा देखना, जुम्मे का दिन है, 12 बज गए हैं और जुम्मे वाले दिन हम 12 बजे उठते हैं, वैसे हम 10-11 बजे उठते हैं, तो अभी उठ गए हैं। ऊपर से भी दिखाऊंगा, छत भी दिखाऊंगा कि ऊपर से कैसा है, नीचे किचन कैसा है, मेरा पिछला गार्डन कैसा है, अगला गार्डन कैसा है, इस पे कितना अखराजात आए हैं इस घर को बनाने में, सारा कुछ बताऊंगा। तो ये व्लॉग जरूर देखना, आप लोगों को इंशाल्लाह मजा आएगा। तो चलते हैं नीचे ड्राइंग रूम की तरफ, नाश्ता करते हैं। गाइस नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। और आज माशाल्लाह सफाई हो रही है। बाड़ी बाड़ी क्या है आज, क्या ऑर्डर आपने किया? ये भाई ये स्टाइलिश व्यू करें, नया टीवी के साथ ये माशाल्लाह आ गई है। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं बहुत कुछ, VIP टीवी के लिए टीवी स्टैंड ही है एक किस्म का। इसके ऊपर भाई LCD, फिर ये छोटी है, इसको बड़ी लगवाए ना, बड़ी भाई ले ले। हाँ ये वाली ऊपर वाले हॉल में भेजते हैं, जिम वाली जगह पे, और इधर हम लगवा देंगे ये बड़ी LCD 17 इंच की। ठीक है, ओके हो गया। तो आज है ना, मैंने ना दोस्तों को बोला कि पूरा घर का टूर कराते हैं, तो पूरा इंशाल्लाह विजिट कराते हैं। सोफे इधर, एक सोफा इधर, एक इधर, ये थोड़ा सफाई सही होने वाली है चीजें। को मैं बाहर वाला गार्डन दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और आओ व्लॉग। बच्चों हमारे परिंदे किधर हैं? आओ दोस्तों को परिंदे दिखाएं। ये दोस्तों ये हमारे दो जनाब फैंसी अपना बर्ड्स हैं। उसके बाद अगर अंदर बात करें तो हमारे पास अंदर भी फैंसी चीजें हैं। ये देखें, कबूतर, किंग कबूतर, फार वाला कबूतर, लके कबूतर, VIP। उसके बाद अगर हम ये बात करें, हमारे पास दो बुली कुत्ते भी हैं। ये प्यारे हैं, प्यारे हैं। ओए होए होए, इसके साथ खेलती हो आप? अच्छा जी गाइस, अगर पीछे की बात करें तो ये मेरा जो घर है, ये पीछे से इसकी लुक ये आ रही है, पीछे से ये लुक है घर की। और अगर इधर बात करें तो ये हमने प्ले एरिया बच्चों के लिए बनाया हुआ है, ये स्लाइड है बच्चों के लिए। इधर सारे वो लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, ये एक हमने लगाई हुई है अपना ये झूला लेने के लिए, और बड़ा जबरदस्त है। किसने झूला लेना है? लेने आप लोगों ने झूला ले लो, इस तरह बच्चे झूला लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये टाइल्स वगैरह लगी पड़ी हुई हैं, तो ये हमने ये वाला घर अभी तैयार करवाना चाह रहे हैं। इसमें हमने सारे जो फैंस के लिए मीटअप के लिए ये रूम रखा हुआ है, इधर बैठक टाइप होगी, इधर वो मजलिस सिस्टम रखेंगे। तो इसको भी जल्दी तैयार कराने का सोच रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ इसको भी तैयार करवाऊंगा। ये घर की लुक है मेरा इस साइड से, ये बैक साइड से। आओ फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट पे आप लोगों को गाड़ियां भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं, फिर मैं उसको एक अंदर का रिव्यू दूंगा। ये बाहर बाहर का रिव्यू हो गया ना, तो अभी चलते हैं आगे। अच्छा दोस्तों, ये साथ हमारे गली टाइप है, तो आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, लड़का कौन कौन आया हुआ है, और यहाँ पे हम बैठ के वीडियोस बनाते हैं और यहाँ पे बैठते हम वीडियो बनाते हैं। इधर हमारी दो गाड़ियाँ हैं, तीसरी गाड़ी बापू लेके हैं, वो लड़का व्लॉग तैयार कर रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। आज फ्राइडे है तो हमने कहीं जाना भी है, जाने का भी सोच रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर साथ रहें, हमारे साथ रहें, तो इंशाल्लाह प्यार बढ़ेगा। ये मेरा लग्जरी हाउस है, इसकी अगर लागत की बात करें तो ये काफ़ी कॉस्टली है, करोड़ों में ही है। तो ज़मीन भी कॉस्टली है क्योंकि रोड पर है ना घर, ज़मीन भी कॉस्टली है और इसका सारा कुछ कॉस्टली।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? आज अरबाज भट साहब और मैं आए हैं जी, व्लॉग बना रहे हैं सुबह का टाइम। सुबह का ये नॉर्मल व्लॉग है। हाँ। इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं अभी बताई, ना सैर नहीं, ना कहीं और। अभी हमने जाना है दूसरे व्लॉग में, आपको VIP एक जगह पे जाना है, फिल्म देखने भी जाना है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मिलेगा। और ये हमारे घर की लुक है, ये सारा जो घर है ना, ये स्पेनिश मेड है, स्पेनिश तैयार हुआ हुआ है। आप लोगों को मेन चीज़ों को ये जो ना, ये जो डोर है ना, ये पहली बार बादशाह पहली बार आप दिखा रहे हैं। हाँ, नजदीक से ये आप देखें कि ओरिजिनल दीवार क्या है, ठीक हो गया, इस पे कढ़ाई हुई है। उसके बाद ये एल्युमिनियम, वाइट एल्युमिनियम है। ये जो मिरर है, ये भी सबसे कॉस्टली मिरर है। उसके बाद जो पिलर है, पिलर नॉर्मल पिलर होते हैं सीधे, पहले ये सीधे पिलर तैयार हुए हैं, फिर उसके बाद हाथ से ही उसने सारी एक एक रस्सी डाल के, उसने सीमेंट डाल के ऐसे, फिर आगे ऐसे इससे करके उसने 2 मंथ लगा के इस पिलर को तैयार किया। तो आगे ये ग्रिल ये सारी कढ़ाई होके आई है। हाँ, इधर आओ, आप लोगों को ये भी दिखाएं। ये पहले प्लास्टर है सीधा, डबल प्लास्टर है, फिर उसके बाद दोबारा इधर रस्सियां डाल के फिर दोबारा प्लास्टर है, फिर ये गैप डिजाइन बना। नजदीक से दिखाएं ना दोस्तों को। हाँ, ये देखें। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर दूर से तो ये ऐसा लगता है ये कलर हुआ है, वॉल स्टोन बीच में लगा है, ठीक हो गया। उसके बाद इधर भी हमने वो अपना स्पेशल सीलिंग टाइप वो डिजाइन है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिजाइन है, उसके ऊपर चकवाल स्टोन है। हाँ। और पिलर पे हमने गोल्ड कलर करवाया हुआ है, गोल्ड। और अगर आप इधर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे भी देख लें दोस्तों, ये एक कैमरा ये लगा हुआ है, एक उस साइड पे लगा हुआ है। आओ ऊपर वाला आपको ताज और डिजाइन भी दिखाते हैं। ऊपर ये देखें, ये एल्युमिनियम का एक बना हुआ है गोल सा फ्लावर सा। हाँ। ठीक है, उसके ऊपर जो ताज बने हुए हैं, खाली वो ताज ही 15-20 लाख रुपए के हैं। शेर भी बना हुआ है, और एक ये शेर, अगर शेर को कैमरामैन जूम करवाए, ये शेर भी है मेरे घर में, ये किसी को पता भी नहीं होगा शेर का। हाँ, तो इंशाल्लाह ये इधर लाइट लगी हुई है, 1, 2, 3, 4 और घास भी स्पेशल लगा हुआ है। अच्छा, ये घास का क्या सीन हुआ है? घास का सीन ये हुआ, इधर मिट्टी थी, एक दिन मिट्टी थी और साथ ही अगले दिन बुजुर्गों ने घास पूरा खरीद के थोड़ा थोड़ा करके लगाया, पूरा एकदम ही लगा दिया, एकदम से घास लग गया। और ये बंदे कह रहे कि रात को मजदूर कहते हैं हम गए हैं, आपको दिखा के वो जो घर तैयार है, वो जब तैयार होगा ना इंशाल्लाह, जो इवेंट है, जिस भाई को गिफ्ट होगा ना, गिफ्ट वाले भाई को उधर बुलाएंगे हम, वो हमारा पिछले घर में उस साइड पे, साइड हट के उधर उधर जो इनामात है, ऐसा होंडा 125 देना है, वो उधर ही मिलेगा। और इंशाल्लाह मुख्तलिफ अंदाजियाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों के चैनल सब्सक्राइब कर लें। होंडा 125 जीतने का, 2 होंडा 125 नेक्स्ट फ्राइडे को या नेक्स्ट थर्सडे को हम ले भी आएंगे इंशाल्लाह। 80,000 फॉलोवर होंगे ना तो साथ ही ले आना, 20,000 रह जाएंगे। इनको गेट भी दिखा देना, गेट भी दिखाते हैं, गेट का ये देखो, ये गेट का सिस्टम है, आप इधर से, ये तार लगी हुई है इसका ऑटोमेटिक, ये कोई बंदा आएगा तो बाहर आके, वो दूर से इतना हमारा कमरा बिल्कुल दूर है, बटन दबाएंगे तो हम दरवाजा खुल जाता है, अंदर से बटन दबाएंगे दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखें, ये देखो ये कढ़ाई हुई है, बहुत मोटा लोया है, हैवी हैवी किस्म का लोया, सारा फ्लावर बना हुआ है सारा, और इसके ऊपर भी लाइट्स वगैरह लगी है। इधर आओ एक और चीज, बाहर से जाके भी विजिट करा दो, नहीं पहले से, ये देखो ये वाला कैमरे लगे हुए हैं इधर, जो बेल देगा तो साथ ही आपको कैमरे में नजर आएगा कौन बेल दे रहा है, ठीक है। और फिर ये नेम पैलेस लिखा हुआ है गोल्ड कलर में, फिर आपको अगर आप कैमरामैन आराम आराम से ध्यान से पीछे जाए तो वो उधर खड़े होकर गाड़ी के पास खड़े होकर व्यू दिखाएगा। अगर इधर आओ आउटसाइड
का रिव्यू दिया है, तो इंशाल्लाह अगर ये व्लॉग आप लोगों ने पसंद किया तो आप लोगों को फिर अपना इनसाइट और रिव्यू की तरह सब्सक्राइब कर लें। बार बार कह रहा हूँ होंडा 125 ये रहा कौन सा मोटरसाइकिल देना भाई, होंडा 125 कौन सा गोल्ड सल स्टार्ट या बगैर सलम, बगैर सलम दे नहीं सल वाला देना है, सल वाला देना गोल्डन कलर का देना है, तो सारे भाई छोड़े रहे और इंशाल्लाह अच्छा सा विजिट करें और व्लॉग को आउट थाम लेने बना आज जी।